एक ना एक खबर, ना मिर्च ना मसाला, सीदा खबर से हवाला, और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर। आज हम राजधानी दिल्ली के यमुना बिहार क्षेत्र मुस्तफाबाद में मौजूद हैं। यहाँ पर किसी कंपनी की वाईफाई का उपक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत सड़कों में गड्ढे खोदकर वहाँ पर पाइप वगैरह लाइन बिछाई जाती हैं। और जैसा कि यहाँ बता रहे हैं कि इसका फ़ायदा किसी तरह से जनता को मिलेगा, लेकिन जनता को मिलता है फ़ायदा या नहीं, ये सिर्फ जनता ही बताएगी। दिल्ली से कैमरामैन जावेद खान के साथ टीवी न्यूज़ इंडिया एजेंसी के लिए इदरीस जेके। ये मशीन जो आप देख रहे हैं, इस मशीन द्वारा गड्ढे किए जा रहे हैं और उन गड्ढों के अंदर पाइप डाले जाते हैं। इन पाइपों में वाईफाई के वायर मशीनों द्वारा इधर से उधर पूरी गलियों में कर दिए जाते हैं। लेकिन लापरवाही ये है कि अगर ये गड्ढे ना भरे तो कोई भी हादसा हो सकता है, कहीं भी किसी भी हादसे में बच्चा, सवारी वगैरह किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो सरकार को चाहिए कि इनकी देखरेख करें और जहां जहां भी ये लोग गड्ढे करें वहां पर जो सड़क जिस तरह से बनी हुई है वो उसी तरह से उसका प्लास्टर होना चाहिए। अगर आरसीसी की है तो आरसीसी होनी चाहिए और जिस तरह की है वैसी ही होनी चाहिए, वरना ये गड्ढे गलियों के अंदर बहुत नुकसान का कारण बन सकते हैं। आइए हम आपको ये जो सामने वर्कर बैठे हुए हैं इनसे कुछ बातचीत करते हैं इस मामले में कि आखिर ये क्या चीज़ है और क्यों, किन मशीनों से क्या क्या हुआ, गड्ढों से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, आइए देखिए। जी, ये जो मशीन वगैरह लगी हुई है, जी थोड़ा नीचे कर लो, लगी हुई है जी। हाँ, ये क्या चीज़ है, क्या जी है? ये जियो कंपनी के थ्रू काम हो रहा है, ये 5G का काम, एक सेक्शन आने वाला है मोबाइल में 5G, उसके लिए ये काम हो रहा है। ये जो खुदाई पाइप पड़ रहे हैं इसकी गहराई करीब 1.5 मीटर गहराई से जाएगा, ये जमीन के लेवल से लेवल 1.5 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर 1.5 मीटर के अंदर होता है। और ये 100 मीटर 80 मीटर पर जहाँ टर्निंग पॉइंट मिल जाए वहाँ से हम नया नया चैम्बर बनाते हैं और उधर से थ्रो करके गली गली में मोड़ के इसको, मतलब केबल बिछाना है इन पाइपों के अंदर। कब से काम चल रहा है इसका, डिटेल तो हमारे अफसर आपको दे सकते हैं जी। हम तो बहुत थोड़ा सा बता सकते हैं, अंदाज़ा कि कम से कम 2-2.5 साल तो हमें भी इसी एरिए में काम करते हो गया जी। ये ज़्यादातर तो 2-3 दिन के अंदर ही काम फाइनल हो जाता है एक एरिए में, पर कभी क्या है कि जैसे बारिश या और कोई ऐसी वजह पड़ जाए तो उसकी वजह से फिर लेट हो जाता है काम जी। तो इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी पब्लिक के लिए? इसमें आप समझिए कि नेट चलाने में आपको जितनी सुविधा है उसका एक फंक्शन और आपके पास आ जाएगा अथॉरिटी के रूप में कि हाँ ये भी आप यूज़ कर सकेंगे, यही बेनिफिट है हमारा आपका। कंपनी का मैटर यह है कि उसको काम का प्रोग्रेस होएगा, आपको ये है कि आपको घर बैठे सुविधाएँ तो नई तरीके की मिल जाएगी। अच्छा फरीद भाई, आप कब से काम कर रहे हैं इस कंपनी के थ्रू? हम आदमी नहीं, हम तो प्राइवेट वर्कर हैं, जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो ठेकेदार के थ्रू हम लोगों को बुला लेते हैं, वरना फिर जिधर इनका होता है उधर उधर के लेबर लगती है, कोई एक ही लेबर नहीं जाती इस काम में। तो फरीद भाई, ये यहाँ पे काम कब से चल रहा? ये तो कल काम शुरू हुआ था और आज ये ख़त्म भी हो जाएगा, आज शाम तक ये गली पार हो जाएगी जी। तो ये लाइनें जो है पूरी दिल्ली में बिछी हुई है जी, लगभग पूरी दिल्ली में ही है, और खाली दिल्ली ही नहीं और स्टेटों में भी इसका काम चल रहा है, ऑल इंडिया के हिसाब से इसका काम चल रहा है, ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है जी। तो इसका जो यहाँ पे ठेकेदार वगैरह जो है, ये सब हमारे जितने भी डिपार्टमेंट के मेंबर हैं, ये 10 बजे के करीब करीब आ जाते हैं और 10 बजे हमारा वर्क शुरू हो जाता है। एक मशीन कई कई दिन गली में खड़ी रहती है, जबकि काम बहुत ही जल्दी का
कुछ ही घंटों का है, लेकिन ये लोग इस गलियों में खड़े खड़े भीड़ लगा देते हैं और काम इतना स्लो चलता है कि बस किसी दिन कर लिया, वरना ये मशीन ऐसी खड़ी छोड़ देते हैं, जबकि मशीन का ऐसे खड़े रखना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर ये मशीन में बच्चे भी आया निकलते हैं, सवारियाँ भी निकलती हैं, एकदम एरिया कंजस्टेड हो जाता है। देखिए कितनी निकलने में परेशानी हो रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पैदल यात्री भी जा रहे हैं, सवारी से भी जा रहे हैं, कितनी कठिनाई हो रही है, लेकिन फिर भी साहब ये लोग चलते ही जा रहे हैं। ये देखिए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको ये पूरी कवरेज हिंद टीवी न्यूज़ दिल्ली द्वारा। आइए आगे चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, इसमें गड्ढे भी पड़े, भरे नहीं भरे, इस तरह की बात हम आपको दिखाते हैं। सड़कों में गड्ढे बनाने वाली मशीन जैसे ही कवरेज करनी शुरू की हिंद टीवी न्यूज़ ने, तभी लोगों ने बताया कि आपकी कवरेज होते ही वहाँ रातों रात जो मशीन ने गड्ढे किए थे उनको भर दिया गया। चलकर देखते हैं कि भरे या नहीं। आइए हम आपको दिखाते हैं हिंद टीवी न्यूज़ की ये कवरेज। जी हाँ, जैसा सुना था वैसा ही पाया। यहाँ पर देखिए ये मिट्टी पड़ी हुई है, इसको भर दिया गया है, हाथों हाथ गड्ढे बंद कर दिए गए हैं।